जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय कराए हर हर महादेव। आप 25वीं साल लगातार ही है साढ़ी स्टेज पर, इस तरह की कभी कोई हरकत हुई हुई नहीं। असी राम लक्ष्मण सीता हनुमान वगैरह जो पूजनी है, अगर बाहर के बंदे भी फड़कन भी नहीं देंगे उन्होंने को, वो इन्ने नितनेम काम करते हैं कि कुंजे सोना उन्होंने पूरे नितनेम सारे काम करते रहे। ये पता नहीं कितों वीडियो किस हिसाब न बना दिता कि आगे किया, ये साड़ी तो समझ तो बहर है। असी कभी भी इदा पूजनी चीज़ों के नेड़े भी फड़कन नहीं लगे किसी, तो यह पता नहीं कि वीडियो किस ढंग तोड़ मरोड़ के बनाया। अज तक मेरे हिसाब न 73 साल की उम्र तक इदा की कोई वारदात नहीं हुई कि साड़ी स्टेज की बदनामी हुई हो। शर्मा जी, एक वीडियो है गंगूवाल रामलीला की बड़ी वायरल हो रही है, जिदे उपर दसाया गया कि इतने कुछ असभ्यक ढंग के नाल जिहड़ी रामलीला करवाई गई, उहदे बारे तुहाडा की कहना जी? मैं गोपाल कृष्ण शर्मा, चेयरमैन श्री राधा कृष्ण ठाकर द्वारा मंदिर रामा ड्रामेटिक कमेटी गंगूवाल बसवाल कलोनी, ये तुहानू मैं दसना चाहना है कि ये जिहड़ी वीडियो है ये पिछले सालों की है और पुरानी हैगी। इहदे विच ये दिल्ली तो बाहर पहले पिछली बार की गई सी, उही चक के किसी ने जिहड़ी वीडियो है ये वायरल करती है। उस संबंध में सानू एक फोन भी आया सी, इत्थे साडे लेडीज़ नू लंबड़दार अपने साडे जिहड़े रावण दा रोल करदे आ उहनां दी पत्नी नू सोनू दी मिसरी नू भी इदां दा तेरे पति इदां रोल करदे तुहाडे पर 295 लग जाणी है। जदों असीं उस लेडी नू पुछिया भी तुसीं ये फोन नंबर कित्थों लिया, सानू ये दिओ दसो पहले, बाकी गल्लां छड्डो, क्योंकि इदां है हिंदू धर्म दे विच तुहानू भी पता है कि कई शरारती अंश हुंदे आ, वो शरारती अंशा ने कुछ ना कुछ इदा करना ही हुंदा है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई पंगा उन्होंने खड़ा करना ही हुंदा है। वो इस तरह उन्होंने कोई गलबात करके उन्होंने नंबर दिता, उन्हें अगे मुड़ के इदा गल की, असी फिर पुलिस थाने रपट लिखाती, रपट के थानेदार की सानू ये गलबात हुई है कि उन्होंने उन्होंने बुलाना उत्थे, फिर असी बैठ के वेद असी गलबात करांगे। बाकी ये सारी जिहड़ी वीडियो है ये पुराने सालों की है। ये मनिया जा रहा है कि जिहड़ी वीडियो हैगी है पुराने सालों की बेशक हैगी है, ये किन्ने क साल पुरानी हैगी है, तो उस तो बाद वीडियो के वायरल होने तो बाद जिहड़ी रामलीला कमेटी हैगी उन्हें किहड़े दिशा निर्देश है नवे जारी किए कि किहड़े ढंग दे नाल हुण जिहड़ी रामलीला इत्थों मंचन किया जा रहा जी? जदों सानू पिछले साल पता लग्या भी किसी ने वीडियो वायरल की है, उस तो बाद फिर असी सारी कमेटी ने फैसला लिया, विच लक्की प्रधान जी सारे जिन्ने कमेटी के मैंबरस इत्थे सारे खड़े है तुहाडे कोल, उन्होंने सारे ने फैसला लिया कि असी रामलीला दे विच कोई भी डांसर जिहड़ा है वह नहीं नचावांगे और ना ही असी कोई इदां दा सीन करांगे जिहदे विच राक्षस भी जिहड़े है वह इस डांसर नूं नचाण, क्योंकि जिहड़े पिछली बार जिहड़ी वायरल कीती वीडियो उहदे विच खर और दुखन राक्षस जिहड़े सीगे वह अपने सीन दे विच नच रहे सीगे, वह स्टेज कलाकार जिहड़ा सीगा वह उहनां नाल नच रहा सीगा, उही वीडियो वाली वायरल कीती सी और असी इहदा सारा इस बार बिल्कुल ही बंद करता और निरोल धार्मिक जिहड़ी रामलीला है वह साडे इत्थे हो रही है। तुहाड़े मुताबिक तुसीं दस्या कि खड़ और दूषण का जिहड़ा संवाद चल रहा सीगा वह वीडियो चल रही है, पर जिहड़े निजी चैनलों पर जिहड़ी वीडियो वायरल की गई है उहदे पर इको गल फोकस की गई कि गंगूवाल का रावण है जिहड़ा वह इहो जिहे दृश्य जिहड़े उह पेश कर रहा उहदे बारे तुहाडा की कहना जी? देखो जिहड़े हिंदू धर्म नूं मनने वाले है जां तां उहनां नूं जिन्हां ने साडी वायरल की है उहनां नूं इह पता ही नहीं है भी रामलीला दे विच रावण कदे सीता माता नूं लै के इदां नहीं नच सकदा, ना ही किते नचे दस्सिया, ये सिर्फ खर और दुखन राक्षस बुद्धि है। राक्षस बुद्धि दे विच जिहड़ा कलाकार है जदों उन्होंने बुलाया उन्हें उत्थे जांदा है जाके वह नचदा उहदे विच वह भी नचना शुरू कर दे, फिर मैनू किसी ने कहा भी वह गीत जिहड़ा देखो वह किन्ना अश्लील, मैं कहा किहड़ा कौन कहिंदा अश्लील गीत है, वह सारे साडे विआह शादियां दे विच भी गीत गाया जांदा, जिथों मर्जी बंगा चढ़ा लै मित्रां दा नाम चलदा, और वह बंदे ने जिहड़ा गीत गाया वा कोई इहदे विच अश्लीलपणा नहीं है और सारा जो कुछ है वह उस राक्षस बुद्धि दे विच उन्होंने किया है। तो जिन्हां दे वल्लों ये वीडियो वायरल की गई है उन्होंने प्रति तुहाडा की अगला नज़रिया रहेगा, तुहाडी की कार्रवाई रहेगी जी?
असी पहले तो जेडे असी पुलिस रिपोर्ट असी कर दिती है और जिन्होंने एक वीडियो वायरल की है वो वीडियो वायरल असी उन्होंने दसिया भी है कई जगह तो सानू फोन आए गिरी जी पटियाले तो अपने फतेहगढ़ साहब तो चंडीगढ़ तो असी उन्होंने भी दसिया कि जिहड़ा साडा ये वीडियो है ये बिल्कुल पुराना है और ये राक्षस जिहड़े नचते पे है इहदे च रावण का सीन भी है नहीं और इस करके ये साडी जिहड़ी वीडियो है इहनू कैंसल किया जाए और उन्होंने साडी ये गल मन भी ली है भी सानू भी किसी ने गलत अंशरां ने जिहड़ा सानू गलत रस्ते पाया असी उन्होंने भी पुछ पड़ताल करांगे और बाकी जिहड़ा फोन आया सी लेडीज़ का एक दा वह हिंदू मत नाल कोई हैगी चंडीगढ़ तो पूनम शर्मा असी उन्हू द्वारा फोन पर गल की तो वह कह लगी भी नहीं इदा असी फिर उसके खिलाफ़ रपड़ दे आए रपड़ दे के थाने उन्होंने उन्होंने बुलाना है असी उन्होंने सिर्फ यही पूछा भी सानू ये दसो भी तुहाडे कोल फोन नंबर कित्थां है क्योंकि यह फोन नंबर सिर्फ उसके घर वाले कोल है या उसके कोल है और किसी कोल फोन नंबर भी नहीं सीगा। चेयरमैन साहब जे गल करा तो मैं रामलीला के दृश्यों की तो अज यूट्यूब के उपर हज़ारे नहीं लखा ही वीडियो वायरल हुई है पर केवल और गंगूवाल की रामलीला क्यों फोकस किया जा रहा जी? वो इसी करके ना भी शरारती अंश जोड़े है वो शरारती अंश जोड़े है उन्होंने तो रह नहीं होंगे वो चाहते हैं भी कोई ना कोई फसाद खड़ा रहे साढ़े हिंदू धर्म के क्योंकि साल बाद साढ़ा हिंदू धर्म का फंक्शन होंगे जिदे दो महीने पहले लोग घर कहन लग जाते भी रामलीला आ गई रामलीला आ गई असी रामलीला देखने जाना है ये किड्डा बड़ा देखो परमात्मा वालों लोगों लोगों के दिलों में राम का नाँ आता है और जोड़े शरारती अंश है वो ये देखते रहेंगे भी सानू कोई दिखे असी गलत रस्ते पाईए गंगूवाल के चाहे कोई भी है चाहे किसी ने भी शरारत की है मैं यही कहता क्योंकि जोड़े शरारती अंश है उन्होंने परमात्मा ही जी है वो सज़ा देगा। चेयरमैन साहब ये भी मनिया जा रहा है कि जोड़े इतों के जोड़े किरदार निभाते हैं रामलीला के वो बड़े सुचम तो श्रद्धा भाव के निभाते यह गल कि सच्चाई है इस गल के देखो सन बाढ़ तो रामलीला चली आ रही है और पंजाब के उपर बड़िया भारियां पईआं उस समय भी साड़ी जिहड़ी रामलीला बंद नहीं हुई ये जिहड़ी साड़ी रामलीला है ये पिछले लगभग 62 सालों तो जिहड़ी है चली आ रही है और 62 सालों तो ही जिहड़े साडे सरूप है वह जिस तरह राम श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता माता जी हनुमान जी बाकी होर भी साड़ी किरदार जिहड़े है वो इन्ना वर्त रखते हैं कि एक टाइम उन्होंने खाना खाना और सवेरे सारी रात जिहड़ा उन्होंने भुंजे सोना दूजी गल उन्होंने जिस दिन साड़ी रामलीला समाप्त होंदी है वो समाप्त होने तो बाद नैणा देवी माता दे मत्था टेक के आके फिर वो अपने वर्त खोलते हैं और इस करके साड़ी जिहड़ी रामलीला बड़ी सजी सुजी है और परमात्मा ने इहदे पर बड़ा साडा हथ रख्या है।